नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बीते दिनों रेलवे कॉलोनी निवासी राजेश और मोहल्ला काजी बाग निवासी अंकित ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके एटीएम से किसी अज्ञात व्यक्ति ने 21,000 और 75,000 अलग अलग बैंकों से निकाल लिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन करने के निर्देश दिए और संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। इसी को लेकर पुलिस सतर्क हो गई और पुलिस टीम बैंकों के इर्द गिर्द घूमने लगी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक काले रंग की बिना नंबर की कार घूम रही है। पुलिस ने जैसे ही काले रंग की कार को देखा तो तुरंत पुलिस ने उसे रोककर उसमें सवार तीन लोगों को उधर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम रोहित कुमार निवासी गौतम बुद्ध नगर, नाजिम निवासी शाहबाजपुर भवानीपुर थाना संभल और तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मनीष कुमार बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका चौथा साथी चंद्रशेखर निवासी झजारसी कॉलोनी गौतम बुद्ध नगर अभी फरार है। आज जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ये शातिर किस्म के लोग कस्टमर के आने से पहले ही एटीएम की जगह फेविक्विक लगा देते हैं, जिससे कस्टमर का एटीएम फंस जाता है और ये लोग उसको बेवकूफ़ बनाकर उसका पिन नंबर पूछ लेते हैं और कस्टमर के जाने के बाद प्लास की सहायता से एटीएम निकालकर दोबारा एटीएम डालकर उनका पैसा निकाल लेते हैं। आज अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने इनके पास से स्वैप मशीन, पेटीएम मशीन, एक प्लास फेविक्विक के पैकेट और एक काले रंग की एक्सक्यूवी कार बरामद करते हुए 46,300 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने टीम के तीन कांस्टेबलों की पीठ थपथपाते हुए उन्हें 10,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वो अपना एटीएम का पिन नंबर किसी को ना दे और संदिग्ध व्यक्तियों के विषय में पुलिस को सूचित करें। इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय एक बहुत बड़ा एटीएम स्वैप गैंग का पर्दाफाश हुआ है, तो काशीपुर पुलिस की जो मेहनत है और उसका एक सफलता अनावरण हुआ है, वो मेहनत का एक नतीजा है। प्रोफेशनल पुलिस संघ का एक दुरुस्त नमूना दिखाया है। ये लोग कई जगहों पे वारदातें कर रखे हैं, काशीपुर में भी दो जगह पे वारदातें कर रखे हैं, कुल मिला के 1,00,000 रुपए का करा है। पर हमें ये छोटा पैसा वो नहीं देखना चाहिए, कई सारे मासूम लोगों के साथ इन्होंने इसी प्रकार का कर दिया होगा। ये एटीएम में फेविक्विक चिपका देते थे और कस्टमर को फंसा देते थे, और दूसरा आदमी आके ये बोलता था कि भाई ठीक है हम कस्टमर केयर के बात कराएंगे करके, तीसरा आदमी बाहर रहता था और उसी को बात होती थी और वो कस्टमर केयर का बन के नाटक करता था और इसी बहाने वो बोलते थे कि पिन डाल दीजिए आप एक बार फिर से करके पिन नोट करा देते इस प्रकार। उसके बाद वो स्वाइप उसको ले लेते थे कस्टमर को लुभा के। तो इस प्रकार एक शातिरता के साथ ये उन्होंने स्ट्रैटेजी बना के एटीएम स्वाइप का एक गैंग बना के घूम रहे थे, जहां एक व्यक्ति एटीएम के अंदर रहता है, बाहर कस्टमर केयर का एक नाटक और करता है, तीसरा व्यक्ति बाहर ऑब्जर्वेशन करता है। तो कई सारे लोगों को इन्होंने लुभाए होंगे, कई सारे लोगों के साथ इन्होंने ठगी करी होंगी। तो ये सारे जो है ये अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हो चुका है। काशीपुर पुलिस की प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ। स्पेशली जो SHO है हमारा, CO वंदना है, अभय है, इन सब के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। तो इस घटना के अनावरण के लिए मुख्य रूप से जब से अभियोग पंजीकृत हुआ तो तीन कांस्टेबल्स हमारा सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसमें प्रेम कनवाल हो गया, देवेंद्र पांडे हो गया, अनिल मंडराल है। इन तीनों की मेहनत है कि सबसे ज़्यादा जो है फुटेज देख के उनको आइडेंटिफाई करना, वो एक निश्चित डे में करते थे, ओनली संडे आते थे। तो इस प्रकार वो संडे टू संडे वेट करके कई दिन से इन्होंने इस केस को वर्कआउट किया है। कुल मिला के बहुत अच्छी एक खुलासा हुआ है। तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, तीनों UP के रहने वाला है, चौथा अभियुक्त भी है जो इनके मेन अभियुक्त है वो भी अभी फरार है। इनके कब्जे से कई सारे ATMs मिले हैं, फेविक्विक के पहुँचा ATM स्वैप मशीन मिला है हमको, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिला है। इनके कब्जे से एक महंगी SUV कार मिला है, मतलब स्पोर्ट्स वाली कार मिली है, इसका भी हम तस्दीक कर रहे हैं। तो मैं जनता से फिर से अपील करता हूँ कि अब तो हम ये इन जो आरोपी है, इन अभियुक्तों को आप जो है देख लीजिए, और देख के अगर आपसे भी, मतलब आपसे भी इन्होंने इस प्रकार का वारदात किया है, तो कृपया करके आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके इनको रजिस्टर कराइए, ताकि और भी लोगों का घटना जो है खुल जाए, और भी वारदातें खुल जाए और इनसे रिकवरी हो जाए। दूसरा ये भी है कि ऐसे फ्रॉड लोगों से आप बच के रहिएगा। आपका ATM अगर फंस जाता है, तत्काल जो व्यवस्थित कस्टमर केयर नंबर है ना, तो जो बैंक का ऑथराइज्ड है, उसको आप इंटरनेट में गूगल करके पता करके वहाँ पे कर दीजिएगा। और मैं बार बार यही बोलता हूँ, कोई भी बैंक हो आपसे पिन कभी नहीं पूछती, कभी भी पिन पूछती नहीं है। इस चीज़ का जनता को संदेश लेना पड़ेगा, किसी भी बैंक कभी भी आपको पिन पूछती नहीं है। एक आधी टाइम में जब वो कस्टमर केयर में फ़ोन करते हो तो आपको पिन डालने को बोलते हैं फ़ोन में, आपका कोई वो प्लेटफॉर्म होता है वो भी नहीं होता आजकल, तो वो भी बंद है। पिन किसी को देना नहीं है, ठीक है, पिन देते थे तो ऐसे लोग जो है ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी सफलतापूर्ण अनावरण के लिए मैं काशीपुर टीम को पुनः बधाई देता हूँ।
₹10,000 का कैश रिवार्ड की मैं घोषणा करता हूँ टीम को, और DIG साहब से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी कैश रिवार्ड कर दें। और नेक्स्ट जो है, तीन जो हमारे इंपॉर्टेंट कांस्टेबल्स है, देवेंद्र पांडे, अनिल मनराल और प्रेम कनवाल, इन तीनों को मैं पुलिस मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट करूँगा। थैंक यू सो मच।